Assalamu alaikum viewers, how are you? This is Shoaib Tariq. Today we are going to start another video of chemistry which is known as electron affinity. Electron affinity kya hai? Uske baare mein aaj hum discuss karenge. So video start karne se pehle hamesha ki tarah aap logon se request hai ki agar aap mere channel pe new hain to mere channel ko subscribe kar le aur bell icon ko press kar le taaki aapko nayi se nayi informative video jo hai wo notification panel mein mil jaye. To bina waqt zaya kiye hum chalte hain apne video ki taraf. Okay? ओके व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड अप इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम. अब इसका क्या मतलब है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? स्टूडेंट्स, इसे पिछली वीडियो में मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कि एक वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इससे बिल्कुल डिफरेंट है कि ये क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड अप इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन गैशियस एटम. किसी भी गैशियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी जो रिलीज होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं. ओके तो जब हम किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन करते हैं तो उस एटम के ऊपर नेगेटिव साइन शो करते हैं, बिकॉज दिस शोज दैट कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस्ड किया. ओके सो अगेन रिपीट द डेफिनेशन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, वो कम से कम एनर्जी जो कि खारिज होती है, रिलीज होती है कब, व्हेन, जब एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड अप इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. कि कोई भी आपके पास एक एटम है उसके आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. ओके एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं. ये जो एग्जांपल्स है इसमें हमारे पास एक फ्लोरीन जो है वो गिवन है. फ्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन करनी है, तो जैसे ही ये फ्लोरीन के अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर तो ये एफ नेगेटिव साइन जो है वो क्रिएट हो जाएगा. ये शो करेगा कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड अप होगी, तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है वो कितनी होती है, -228 किलो जाउल पर मोल. नेगेटिव साइन हमें ये शो करके बता रहे हैं कि ये एनर्जी रिलीज होती है. ओके इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मौजूद होते हैं. ओके इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारे पास है फ्लोरीन, इसका न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके के शेल के अंदर सेकेंड शेल जो कि हमारे पास है एल शेल है, एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब यहाँ पे फ्लोरीन के पास जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद और 7 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ओके अब एक इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी कहीं से भी हमें कोई एक एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, ठीक है, सच एज सोडियम जो कि हमने आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर पढ़ा था कि सोडियम जो है, सपोज कर लें कि सोडियम जो है उसने ही एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है. इस इलेक्ट्रॉन को मैं इस क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्रॉस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया इसमें, ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन की एडिशन होने की वजह से अब फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐडअप हो गया. सो इलेक्ट्रॉन के ऐडअप होने की वजह से ये जो शेल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की आपस में क्या होगी, रिपल्शन हो, तो रिपल्शन होने के नतीजे में ये एटम अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है. सो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. एक और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ये भी मौजूद है कि जब किसी भी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐडअप किया जाता है तो ऐडअप करने के नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटेड होने के नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल करता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेट. ये ऑक्टेट कंप्लीट होता है आखिरी शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीशन इज अ ऑक्टेट रूल. सो ऑक्टेट रूल होने की वजह से भी ये एटम जो है वो स्टेबल हो जाता है जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है. तो ये एटम्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि फ्लोरीन नेगेटिव. ओके सो वीडियो का इख्तिताम करते हैं, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.